ओके दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको एक लैपटॉप की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको आवश्यकता होती है एक मैार ऐसा लैपटॉप लूँ जिससे मेरा सारा काम हो जाए। मैं चाहे कोडिंग करता हूँ, मैं कोई नॉर्मल काम करता हूँ, या मैं तो जब मैं अपने कॉलेज टाइम में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हूँ, या तो मैं जब मेरा प्लेसमेंट हो जाए, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तभी मेरा इसी लैपटॉप से काम हो जाए। तो मैं दोस्तों आज आपको ऐसे ही लैपटॉप के बारे में बताऊँगा, मतलब दोस्तों मैं लैपटॉप के बारे में नहीं बताऊँगा कि आपको अपने लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन कैसा रखना है, उसमें कितनी रैम रखना है, उसका प्रोसेसर कैसा हो, उसमें ग्राफिक्स कितना रखना है, कि जो हमारा प्रोसेसर i3 हो या i5 हो कि i7, हम क्या रखें कि मिनिमम हमारा सारा काम हो जाए, कि हम अगर कोई भी काम करें यार हमारा सारा काम इसी लैपटॉप से हो जाए, कि हम मतलब कि 2-4-6 साल इसी को यूज़ कर पाएँ। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखें जिससे आपका सारा काम हो जाए। दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, जैसे अगर हम इस कंप्यूटर साइंस फील्ड से हम कोडिंग करना होता है, मान लीजिए कई कई बार हमको यूट्यूब पर इंटरेस्ट होता है वीडियो बनाने का, तो हमको क्या होता है वीडियो एडिटिंग करनी होती है, हमको कोई नॉर्मल गेमिंग करनी होती है, मतलब हमारे बहुत सारे काम होते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि हमको क्या उसका हमको रखना है स्पेसिफिकेशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आती है रैम की। देखिए दोस्तों, जो नॉर्मल लैपटॉप आते हैं उसमें नॉर्मल रैम होती है 4 GB होती है, लेकिन दोस्तों अगर हम कोई हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे दोस्तों अगर आप जावा पे कोडिंग करते हैं, अगर आपको थोड़ा एंड्रॉयड के ऐप बनाने में इंटरेस्ट होगा, अगर आप उसमें फील्ड में जाएंगे दोस्तों, उसमें एक सॉफ्टवेयर आता है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो दोस्तों जो एंड्रॉयड स्टूडियो आता है, बिना वो 8 GB रैम के चलता ही नहीं है। अगर आप में 8 GB रैम नहीं है आपके लैपटॉप में, तो आपको जो सॉफ्टवेयर है अच्छे से चलेगा नहीं चाहिए चलेगा। इसलिए आपको दोस्तों अपने लैपटॉप की जो मिनिमम रैम रखनी है 8 GB रखनी है। अगर आप भविष्य में अगर आप और कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिससे आपका सारा काम बहुत ही ईजिली हो सके, तो आपको अगर आप लैपटॉप परचेज करने जा रहे हैं तो आप उसमें देखिए कि अगर उसमें 8 GB रैम है तभी आप उसको परचेज करिए। दोस्तों अब बात आती है प्रोसेसर, उसमें हम प्रोसेसर क्या रखे हैं। दोस्तों हम कई बार जाते हैं कि यार हमको 25,000 में मिल रहा है, हम i3 प्रोसेसर मिल रहा है, हम ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप उसको यूज करते हैं नॉर्मल, तो आपका सारा काम हो जाता है, यूट्यूब पे वीडियो देखना है, फॉर्म भरना है, सारे नॉर्मल काम के हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप उसमें जब कोई हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सही से परफॉर्म ही नहीं करता है, तो आपको देखना है कि हमेशा उसमें आपको प्रोसेसर मिनिमम i5 हो, और जो उसकी जनरेशन हो 8th हो या 9th हो आप उसको देख लीजिए, लेकिन जो मिनिमम प्रोसेसर आपको रखना है i5 रखना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं उसमें आपको स्टोरेज टाइप कैसे रखना है। देखिए दोस्तों, जो पहले हमारे लैपटॉप आते थे, मतलब अब भी आते हैं, कि अब नहीं आते हैं, अब भी आते हैं, लेकिन दोस्तों हमको रखना क्या है कि पहले जो हमारा स्टोरेज टाइप था HDD था, लेकिन दोस्तों जो उसमें क्या होता है हमको 1 TB मिलता था, लेकिन दोस्तों जो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था, क्योंकि दोस्तों जो उसमें डाटा की प्रोसेसिंग है और डाटा का हमारा जो ट्रांसफ़र है बहुत ही स्लो होता है, उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा SSD है, जो दोस्तों इसमें डाटा की प्रोसेसिंग है, डाटा ट्रांसफ़र है, बहुत ही फास्ट है। इसलिए दोस्तों अगर आप देखिए, आप 1 TB में जाइए, अगर आपको 512 GB SSD मिल रहा है उस लैपटॉप में, तो आपको उस लैपटॉप को परचेज करना है, क्योंकि दोस्तों जो आपको सॉफ्टवेयर चलेंगे उसमें जो डाटा की स्पीड होगी दोस्तों बहुत ही अच्छे से, बहुत फास्ट होंगे, आपका जो काम होगा बहुत क्विक होगा। तो आप प्रिफर करिए कि अगर उस 512 GB SSD दिया है तो आप उसको परचेज करिए, ना कि उसमें SSD 1 TB दिया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ग्राफिक्स। अब दोस्तों आप बोलेंगे ग्राफिक्स हम क्यों लें। देखिए दोस्तों, अगर आप जब ग्राफिक्स लेते हैं, आपको मिनिमम ग्राफिक्स 4 GB रखना है अपने लैपटॉप में जो भी लेना है। देखिए दोस्तों, भविष्य में आपकी इच्छा करे कि यार हमको थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करना है, दोस्तों अगर आप में ग्राफिक्स है तो आप में कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे दोस्तों Adobe Premiere Pro हो गया है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिससे आपको वीडियो एडिटिंग करना है। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, बहुत सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अगर हमें ग्राफिक्स नहीं अच्छा तो उसका जो यूजर इंटरफेस होता है जो उसको हमको अच्छे से दिखता नहीं है। इसलिए अगर हमारे में ग्राफिक्स होता है तो हमारे जो हमारे सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस होता है बहुत अच्छा दिखता है। तो सो मतलब ग्राफिक्स रखने से आपको बहुत फ़ायदा होता है, आपको जो कलर दिखता है आपके लैपटॉप पे, जो भी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर काम करते हैं हर चीज़ में, मतलब बहुत अच्छा कलर दिखता है, मतलब बहुत अट्रैक्ट करता है कि हमारे कलर अच्छे से, सब कुछ चीज़ें अच्छे से दिखती हैं। दोस्तों हम बात करते हैं आप ब्रांड कौन से लें। दोस्तों देखो, चाहे ब्रांड HP हो, चाहे डेल हो, चाहे एसर हो, चाहे जो ब्रांड में जितने भी मेंशन किया हो, सारे अच्छे ब्रांड हैं, लेकिन देखिए जो उसमें सारा कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है आप उसी लैपटॉप को परचेज करिए, ब्रांड चाहे जो भी हो, अगर आपकी जो भी इच्छा कर। दोस्तों बेस्ट तो ब्रांड दोस्तों एप्पल है, अगर आप में इतना पैसा है तो आप एप्पल में पैसा इन्वेस्ट करिए, आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन अभी आप उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे हम जानते हैं। तो आप इन्हीं ब्रांड में देखिए, जो भी आपको पसंद आए, देखिए कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो आपको लैपटॉप को उसको परचेज कर लीजिए।
अब दोस्तों मैं एक चीज बता देता रहा हूँ दोस्तों, साइज। दोस्तों देखिए आजकल जितने भी लैपटॉप में देखता हूँ सब लोग वही 15.6 15.5 से जो साइज आते हैं उसको परचेज करने। लेकिन दोस्तों देखिए जो लैपटॉप होता है देखने में बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन लेकिन दोस्तों प्रोफेशनल थोड़ा कम दिखता है। अगर आप इंडस्ट्री में जब काम करने जाते हैं तो अगर आप एक 14 इंच का लैपटॉप लेते हैं दोस्तों एक प्रोफेशनल दिखता है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी आप कंपनी प्लेस है वहाँ काम करते हैं दोस्तों, तो उसका जो एक लुक होता है मतलब दोस्तों देखिए इंडस्ट्री के लिए 14 इंच का लैपटॉप ही बेस्ट होता है। और वैसे भी दोस्तों अगर आप जैसे जो आप 15.6 इंच वाला लैपटॉप लेते हैं तो थोड़ा वो आपको देखने में भी बड़ा दिखता है, उतना प्रोफेशनल उसका लुक नहीं आता है। लेकिन अगर आप 14 इंच वाला लेते हैं दोस्तों उसका एक प्रोफेशनल लुक आता है। तो आप प्रिफर करिए कि आप 14 इंच वाला लीजिए, आपको हर चीज़ में देखने लुक वाइज हर चीज़ में अच्छा दिखता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।